नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2019 के चुनाव की कवायदें शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में धर्म की राजनीति और किस तरीके से धर्म को जोड़ा जाता है पॉलिटिकल से, किस तरीके से राजनीति में धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, यानी कि जात पात धर्म मुस्लिम हिंदू और सिख ईसाई, इन पर सिर्फ चुनाव की रणनीति टिकी हुई है होती है। हर किसी पॉलिटिक्स की बात करें, हर कोई चाहे वो जो भी पार्टी हो, इस तरीके की धंधा उनका एक यही होता है कि किस तरीके से लोगों को धर्म के आधार पर बांटना है, किस तरीके से जिक्र करना है धर्म का, किस तरीके से गुमराह करना है लोगों को। लेकिन अब एक बात, 2019 का चुनाव आने वाला है और 2019 के चुनाव से पहले अब इन सारे मुद्दों का जिक्र होने लगा है, मुस्लिम टोपी का। अब मुस्लिम टोपी का जिक्र क्यों होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक बार टोपी पहनने से मना कर दिया था तो देश के अंदर एक बवाला सामने आ गया था और इसको लेकर के बीजेपी सरकार को, मोदी को जम करके खरी खोटी सुनाई गई थी कि आखिर आप धर्म का विरोध करते हैं, मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों के कहीं ना कहीं सामने एक विरोधी के तौर पर खड़ा कर दिया। और खड़ा किसने किया, इसी मीडिया ने खड़ा किया। खड़ा किसने किया, वो विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया कि आखिर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी तो मतलब उनके अंदर कोई खोट है, उनके अंदर कोई वजह है। हर किसी का एक अलग नज़रिया रहता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी के धर्म की चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर उतारता है या नहीं उतारता, ये व्यक्तिगत सोच है। लेकिन उसको सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति से किस तरीके से जोड़ा जाता है ये अब अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो संजय निरुपम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसी को, 2019 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले उन्होंने ये इस चीज़ों को धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ को, क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं कोई मुद्दा ऐसा पकड़ना है जिससे जनता के बीच उनका जो पार्टी है, बीजेपी है चाहे कांग्रेस हो, उसको किस तरीके से भुनाना है, ये राजनीतिक सोच नेताओं की रहती है। और अब मुस्लिम टोपी के पीछे क्या वजह है कि मुस्लिम टोपी नहीं पहनते हैं नरेंद्र मोदी, ये हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे और ये भी बताएंगे कि संजय निरुपम ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम टोपी के ऊपर कमेंट किया है। तो आइए देखते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब नरेंद्र मोदी अपनी यात्राओं के दौरान अलग अलग अंदाज वाली टोपियां पहनते हुए नजर आते हैं, लेकिन वे हमेशा मुस्लिमों की जालीदार टोपी पहनने से इनकार क्यों करते हैं। थरूर के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता शशि थरूर से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा। बीजेपी नेता राम माधवन ने कहा कि मुस्लिम टोपी के प्रति अपने प्रेम में शशि थरूर ये भी ध्यान नहीं रखते कि वे नागालैंड की टोपी को अजीबोगरीब बोलकर उस संस्कृति का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ शब्दों में पूछा कि आखिर वो मुस्लिम टोपी पहनने से क्यों इनकार करते हैं। बीते रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आखिर PM जो दुनिया भर के किस्म किस्म की पगड़ियां पहनते हैं, क्या आप मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार क्यों कर देते हैं। थरूर ने कहा कि PM मोदी मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते, वो हरे रंग का कपड़ा पहनने से इनकार क्यों करते हैं, जो उनकी नज़र से मुसलमानों का रंग है और इस रंग को पहनने का मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण होता है। शशि थरूर एक सेमिनार में बोल रहे थे कि इस सेमिनार का मकसद था नफरत के खिलाफ खड़े होइए, समकालीन भारत में असहिष्णुता और हिंसा। अपने भाषण में थरूर ने भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों को अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले और कथित गौरक्षकों की हिंसक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। थरूर ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के तुरंत बाद PM ने एक बार भी बयान नहीं दिया कि लोगों को भरोसा हो कि वे ऐसी हिंसा से निंदा करते हैं। इसके बाद ये धारणा बनती है कि यदि PM नहीं बोलते कि तो उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं, इससे उन लोगों को ताकत मिलती है। आपकी अदालत में पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए तो वहाँ सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए तो उनकी टोपी कबूल की,
असम गए तो उनकी वेशभूषा कब हुई, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर टोपी पहनने से ही कोई एकता का प्रतीक बन जाता तो मैंने अब तक गांधी जी को अब तक कोई ऐसी टोपी पहनते नहीं देखा। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहनकर फोटो निकालते कभी नहीं देखा। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहनते हुए नहीं देखा। तो ये एक भारत की राजनीति में एक विकृति आई है कि अपीजमेंट, तुष्टिकरण के लिए कुछ भी करो, मेरा काम है सब परंपरा का सम्मान करना, मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना, मैं मेरी परंपराओं को लेकर जीता हूँ, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं ये टोपी पहनकर फोटो निकाल कर के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूँ। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया ना होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में अपने प्रचार पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की खबरों से इनकार किया था। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी थी कि अगर इन आरोपों में दम हो तो प्रवर्तन निदेशालय और चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करें और अपनी पूरी ताकत लगाकर जांच करा लें और मेरा कच्चा चिट्ठा सामने ला दें। शो में नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बारे में कहा था कि वो पीएम बनने का सपना नहीं देखते। उन्होंने कहा था, नौजवानों से कहता हूँ कि कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना देखें। तो ऐसे में 2019 के लिए ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को फिर से 2019 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर करीब आने के लिए बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। और बीजेपी ने भले ही सोच लिया हो कि 2019 में किसी भी तरीके से सामदाम दंड भेद अपना करके 2019 का किला फतेह करना है, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां भी इसी सोच पर निर्भर करती हैं कि वो अपनी रणनीति बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से झंडा बुलंद करती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी के लिए क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जनता के हकीकतों पर कौन पहुंच पाया है, जनता के लिए किसने काम किया है। राजनीतिक सत्ता आती जाती रहती है, फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं और जनता के लिए लोग क्या सोचते हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनता सिस्टम से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कतराती है, जनता को अपने काम है, अपनी चीज़ों को में वह व्यस्त रहती है, लेकिन वो उम्मीद करती है कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो सिस्टम हमारे लिए कितना काम करता है। क्या सिस्टम से लड़ने की ताकत हम तब करते हैं जब हमारे प्रति जिस तरीके से साजिश रचती है राजनीति और उसके प्रति हम कहीं ना कहीं एक नज़रिया बनाते हैं कि सरकार के प्रति कि ये सरकार पे तो हमने भरोसा किया था, लेकिन इस सरकार ने हमारी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेरा है, हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं माना ही नहीं है। जो उन्होंने घोषणाएँ की थी वो भी जमीनी हकीकत पर नहीं उतरी हैं, हमें उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हुआ और पाँच साल पूरे यूं ही बीत जाते हैं। सरकार मलाई खाती है, इसी रूम में बैठती है और डिसीजन करती है और लोग सिर्फ ताकते रह जाते हैं कि अब कुछ नया होगा। हमें सहने की क्षमता हो गई है, हम सहन करते हैं, हम सरकारों की नीतियों को, सरकारों के जुल्म को सहते रहते हैं, हमें क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। हम झंडा बुलंद नहीं कर पाते हैं, हमारे लड़ने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 2019 से पहले अगर जनता अगर सोच ले कि किस सरकार को हमें वोट देना है, किसने हमारी हकीकतों पर पानी फेरा है, किसने हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारी उम्मीदों पर खतरा उतरा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समझ में ये आता है कि मुद्दों से हट करके लोग किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं पर किस तरीके से कमेंट किया जाता है और उसको पूरी तरीके से, क्योंकि जो नेता होते हैं सिर्फ उनका एक एजेंडा होता है कि हिंदू और मुस्लिम की के मुद्दे को उछाल दिया जाए और हम अपनी राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरीके से पूरा कर लें, और यही राजनीति में अच्छी तरीके से देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, अपने
अरमानों को, अपने सपनों को साकार कर लेते हैं और जनता के सपनों पर सिर्फ आग जलाने का काम करते हैं। उनके सपनों को ध्वस्त किस तरीके से राजनीति करती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सरकारों को एक आईना दिखाना चाहिए। वो हम लोग ही दिखाएंगे, हम सारे लोग दिखाएंगे, हमारी जनता है जो वो कहीं ना कहीं जब तक सरकार के खिलाफ लड़ेगी नहीं, सिस्टम से सीधा लड़ने की ताकत नहीं रखेगी, तब तक हम अपने जो हमारे जो हक हैं उनसे, उनके लिए हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे और हम नहीं भी लड़ पाते हैं, यही होता है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में हमें फैसला करना है कि हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझना है या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलकर ऐसी सरकार को चुनना है जो हमें कुछ इस तरीके के माहौल प्रकट करती है, जो हमें भाईचारे की भावना और हमारे उम्मीदों पर खरी उतर सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।